राजस्थान में राज्यसभा की खाली सीट के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी के कई नेताओं के नाम पर मंथन हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई है। वेणुगोपाल ने केरल से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज। कांग्रेस किसको मैदान में नहीं उतारने वाली, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ पर संख्या बल मजबूत है। ऐसे में बीजेपी आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। जीतने वाले सदस्य का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा। इस खाली सीट के लिए नामांकन 14 से 21 अगस्त तक होंगे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के तीन नेता प्रमुख दावेदार में हैं। सबसे पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का है, दूसरे पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तीसरे पर पूर्व विधायक अलका गुजर का नाम चल रहा है। इन तीनों नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी मंथन में शामिल है। सतीश पूनिया संगठन के मजबूत सिपाही हैं। पिछले 40 सालों से पार्टी में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उन्हें अभी हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनिया के काम की चर्चा अब भी रहती है। हरियाणा में चुनाव है, इसलिए सतीश पूनिया को और ताकत देकर वहां पर एक संदेश देने के लिए राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसलिए इनके नाम की चर्चा पहले नंबर पर है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्षेत्रीय और मजबूत नेता हैं, इसलिए उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। पूर्व विधायक अलका गुजर के नाम की भी चर्चा है, क्योंकि बीजेपी का राजस्थान से कोई महिला राज्यसभा सदस्य अभी नहीं है, इसलिए गुजर को राज्यसभा भेजकर ये एक संदेश दिया जा सकता है। फिलहाल अभी इन्हीं नामों पर चर्चा हो रही है। वही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा का चुनाव हार गए थे, अब उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। उनके नाम की चर्चा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावटी में पंजाबी वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर पार्टी सहमत हो रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।